91 मार्क्स है आपके 91। वालिद आए उनके? जी जी हाँ जी, मुबारक आपको, 90 से ज्यादा मार्क्स लाया लड़का। दूसरा है इरशाद अहमद सन ऑफ फरीद अहमद बमाल, 81, 81 मार्क्स है आपके, मुबारक हो गए सारे बच्चे। कौन कौन इनके कितने हैं? इनका मेरे पास लिस्ट में स्कोर नहीं आया है, चेक करा लेना, ठीक है, आपको भी आपका स्कोर बता देंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप सब बच्चे तो जाते थे स्कूल, ठीक है, आपके साथी लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो अब ये लोग स्कूल जाएंगे तो इनको अपने साथ बिठाना है ताकि ये लोग आगे भी स्कूल जाते रहे, पढ़ाई अपनी करते रहे, समझ गए? बोलो, समझे कि नहीं समझे? और जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, सीओ साहब इधर आए हुए हैं, काफी सारे हमारे लोग यहाँ से ढोक पे जाएंगे अभी एक दो हफ्ते में जाएंगे, कितने दिन बाद जाएंगे? एक महीने के बाद। हमने बहुत ही अच्छे काबिल गांव के मोबाइल टीचर को लेना है, अगर मोबाइल टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो मत लो, और जितने भी बच्चे क्लास 1 और 2 के यहाँ पे होंगे, मैंने सीओ साहब को एक सैंपल दिया था ABCD पढ़ाने का, वो ऐसी ऐसी किताबें हैं उसको कोई भी आंख बंद करके भी खोलेगा तो भी उसको याद हो जाएंगी, तो वो हमने मटेरियल अपने सारे बच्चों के लिए दे देना है, वो मैं आपको खरीद के दे दूंगा। उससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 घंटे बैठना है मोबाइल टीचर के साथ डोक पे बस काफी है, पढ़ाई हो गई, उसके बाद बच्चे खेलने दो, कुछ काम कराना है काम करने दो, लेकिन 2 घंटे केवल आपके चाहिए डोक पे। क्या सब लोग देंगे? पक्का? मैं जहां भी जाता हूँ बुजर बकर वालों को यही बोलता हूँ कि भाई अपने पुंछ राजौरी के भाइयों को देख लो, कहां से कहां पहुंच गए, है ना? आज हम लोग सिंथन फेस्टिवल करवा रहे हैं 29 और 30 तारीख को, अनंतनाग से श्रीनगर से इतना सारा टूरिस्ट लोग आएगा देखने के लिए, आपका इलाका इतना खूबसूरत है, वहां पे अगर कोई कश्मीर का आदमी होता तो इतने पैसे कमा लेता, कोई ना कोई होटल खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कुछ खाने का आइटम देता, कुछ बेचता, कहीं घुमाने के लिए ट्रैकिंग पे ले जाता। हमारे लोगों के पास उतनी तालीम नहीं है, तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि पढ़ा के करेंगे क्या, आप सबको पता है कि कश्मीर के इलाके में घर घर में टूरिज्म को लेके कुछ ना कुछ काम होता है, जो घूमने के लिए बाहर से आदमी आता है वो अपने साथ जेब भर के पैसा लेके आता है कि मैं आऊंगा यहाँ पे पैसा खर्च करूंगा, और वहां पे उन लोगों ने उसका इतना फायदा उठाना होता है कि भाई उनका पूरे साल का गुजर बसर उसी से चल जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, इधर 50 बच्चे के आसपास है, 10 या 12 को मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारे महरूम रह जाएंगे, उन सारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। आप लोग सिंथन पास के एकदम बगल में बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे को थोड़ा पढ़ा लेते हैं, आज की तारीख में मोबाइल का जमाना है, आप कोई भी काम मोबाइल के थ्रू, पैसा किसी को देना है वो भी मोबाइल से, किसी को लेके जाना है बुकिंग करानी है मोबाइल से, सब कुछ आपका काम मोबाइल से हो सकता है, उसके लिए बेसिक पढ़ाई की जरूरत है। और जो बच्चे अच्छे हैं वो तो बेशक आगे जाएंगे ही जाएंगे, तो आज हमको ब्रिज के बारे में भी बताया गया, वो तो सिटी पंचायत में ले ली गई है, उसके साथ साथ जो स्कूल की जरूरत है सीओ साहब आज इधर आए हुए हैं वो भी देख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जरूर जरूर काम होगा। उसके साथ साथ जो आपका मोबाइल टावर का मसला है, मोबाइल टावर को लेके मैं कई बार बोलता हूँ, अपने तहसीलदार को लिस्ट दो, हम मांग लेते हैं, BSNL टावर लगा देता है,
आपको बस देने की जरूरत है लिस्ट, अपने तहसीलदार साहब से रابطہ रखिए और लिस्ट अपनी दे दीजिए। बाकी जितने भी मसले मसाइल हैं हमारे पास आ गए हैं, उनके ऊपर भी काम होगा। अभी 29 और 30 तारीख को सिंथन फेस्टिवल है, मेरे को उम्मीद है आप में से काफी सारे लोग उधर आएंगे और अपने यंग लोगों के लिए मौका ढूंढेंगे कि हम अगर हर साल ऐसा फेस्टिवल कराएं तो कैसे हम लोग उससे खुद का फायदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं इनमें से कुछ बच्चों को अभी हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बाकी बच्चों को भी बुला के या भिजवा देंगे सर्टिफिकेट, उनको भी दे देंगे। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।